हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास मैथ एलिमेंट्स एक्सरसाइज 1.2। रैशनल नंबर चैप्टर का नाम है, क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चीज़ है ये देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये टाइप होते हैं जिसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए, ऐड किए जाने जाए जो है उससे अलग होता है। कैसे अलग है वो हम जब करेंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों को इसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो क्या क्वेश्चन है देखिए एक बार फिर भी, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए कि हमें 2/3 मिल जाए। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। तो चलिए अब इसको करते हैं सॉल्यूशन को, कि इसके अंदर क्या सब्ट्रैक्ट करें हमें आंसर 2/3 मिले। लेट अस डू। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, मतलब जो इन्होंने नंबर रिक्वायर किया है कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, वो एक्स मान लिया हमने अकॉर्ड। अच्छा अभी चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से -4/7 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। मान लिया कि ये एक्स सब्ट्रैक्ट किया है और हमें क्या मिल नंबर मिले 2/3 मिले। ओके, सो सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम इस एक्स को प्लस करने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये फॉर्म आ जाए हमारी ऊपर वाली क्वेश्चनों में जैसे किया था एडिशन वाला, वो फॉर्म आ जाए। ये सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा करेंगे इस एक्स को प्लस बनाने के लिए। तो सभी नंबरों को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर वही चीज़ आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2/3, ये प्लस का है उधर जा कर के माइनस का हो जाएगा। 7 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब कॉमन का मतलब कुछ भी इसमें HCF इनका 1 आएगा, जिसका मतलब हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही LCM होगा जो कि 21 है। ओके, तो इसको 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर, इसको 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेनोमिनेटर को किया तो न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। हमें मिलता है 7 × 14 -14/21 और यहाँ पर -12/21 -14/21 -12/21 दोनों माइनस के निशान है, एडिशन होगी, माइनस का निशान ही रहेगा। मिला हमें 26/21। कुछ भी इसमें कट नहीं रहा, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। और अगर चाहो तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, अगर आपसे कह रखा हो तो, और कर देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। 21 की टेबल में ये 1 तक जा रहा है, 21 की जगह 21 ही रहेगा, 1 तक जा रहा है तो 1 आ गया, यहाँ पे बचा 5, तो 5 यहाँ लिख दिया, यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू दिस आंसर। क्लियर हुआ है ना, आसान। थोड़ा सा यहाँ पे अलग चीज़ आई है, ये चीज़ आप देखिएगा समझिएगा और कीजिएगा, कोई भी ऐसा सम आ जाए तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन कोई अगर इसका है तो। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके बचे हैं, 14, 15 और 16 के भी 3 पार्ट्स हैं, तो ये करेंगे हम आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।